यहाँ पर प्रेशर के लिए जवाबदार है सॉल्वेंट, इसलिए यहाँ सॉल्वेंट आया। क्लियर है? तो ये राउल्ट्स लॉ कब के लिए, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है तब। यदि कोई वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उस केस में राउल्ट्स लॉ क्या होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ क्या है वो देख लीजिए। मतलब वेपर बनेगा तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ ये है, मान लीजिए ए बी दो कंपोनेंट है तो वेपर प्रेशर ए का पी नॉट ए इंटू एक्स है और बी का आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, राउल्ट्स लॉ जो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। ये इस तरीके से आपको लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। जैसे आपको पी ए लिखना है, ए और बी दो कंपोनेंट है तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर ए के वेपर प्रेशर और सोल्यूशन उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है। पी बी निकालना है मतलब बी दूसरा कंपोनेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर बी के वेपर प्रेशर और सोल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर मान लीजिए ऐसा ही आपको पी सी निकालना होता तो क्या हो जाता, पी नॉट सी इंटू एक्स सी हो जाता। अब ये पी ए पी बी पी सी हो गया। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो इसके लिए आपको डाल्टन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। ये राउल्ट्स लॉ आ गया। ये राउल्ट्स लॉ कब एप्लीकेबल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, कि जिसका भी आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना होता तो आप क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी, आपको बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है इसलिए दो के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ जो आप क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, पर गैस के लिए उसको डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं। जो लॉ गैस के लिए आता है वो सॉल्यूशन के लिए भी आता है।